स्वागत है सर की ताजातरीन खबरों के साथ। मैं हूँ मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को किया गया रवाना। डीसी एसपी सहित कई आला अधिकारी डिस्पैच सेंटर में थे मौजूद। चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे जिला पुलिस बल के जवान की हुई गिरिडीह में मौत। मेंस एसोसिएशन ने वरीय अधिकारी पर लगाया लापरवाही का आरोप। और शहर के अलकापुरी में राज टेलीकॉम के तीसरे शोरूम का हुआ भव्य उद्घाटन। ग्राहकों को सभी ब्रांडेड स्मार्टफोन के साथ फाइनेंस की भी दी जाएगी सुविधा। अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर डिस्पैच सेंटर से चुनाव से संबंधित सामान के साथ मतदान कर्मियों को विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी एसपी समेत कई आला अधिकारी उपस्थित थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कर्मी को गिरिडीह कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से चुनाव से संबंधित सामग्रियों को सपोर्ट कर विभिन्न प्रखंड के मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियस लकड़ा, एसपी अमित रेणु, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विशाल दीप खलको, एनडीसी सुदेश कुमार, जन सूचना संपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा समेत कई आला अधिकारी उपस्थित थे। पदाधिकारियों की देख रेख में डिस्पैच सेंटर से बैलेट पेपर बक्सा समेत अन्य सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 14 मई को गिरिडीह, गांडे व जमुआ में पंचायत चुनाव होना है। मतदान केंद्र हेतु आवंटित स्थान पर अपने पोलिंग पार्टी के सभी कर्मी एक साथ जमा होकर संबंधित मतदान केंद्र हेतु सभी सामग्रियां कोषांग से प्राप्त कर अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुए। इसके पूर्व मतदान सूची प्रभेदक चिन्ह का मिलन समेत चार प्रकार के पदों के निर्वाचन हेतु चार प्रकार के मत पात्रों का व्यवहार, उनके भिन्न भिन्न रंग आदि के बारे में मतदान कर्मियों को जानकारी दी गई। इस बाबत डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में 3 प्रखंडों में होने वाले चुनाव को लेकर आज डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को बैलेट बक्सा व अन्य सामान के साथ रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके मतदान कर्मी हैं, वह अपने नियम का पालन करते हुए अनुशासन से अपने कर्तव्य का पालन करे, साथ ही शांति व्यवस्था के साथ शांति माहौल में चुनाव को संपन्न कराए। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले 3 प्रखंडों में चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। मजिस्ट्रेट स्टैटिक सेक्टर जोनल समेत भारी मात्रा में मतदान स्थलों पर जवानों की तैनाती की जाएगी, साथ ही हम लोगों के द्वारा भी विभिन्न मतदान स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा। पंचायत चुनाव शांति माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। का डिस्पैच किया जा रहा है T-1 डे में। गिरिडीह कॉलेज में हम लोगों ने 3 अलग अलग स्थल चिन्हित किया है, जिसमें कार्मिक कोषांग में आकर लोग अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले रहे हैं और उसके बाद में मटेरियल कोषांग में जाकर लोग अपना बैलेट बॉक्स और अपना स्टैटरी नॉन स्टैटरी पेपर प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग बूथ वाइज ही सभी को अभी मानदेय की राशि भी उपलब्ध करा दे रहे हैं। और हम यही अपील है कि हम लोगों का चारों चरण में चुनाव होने वाला है, तो हमारे जितने भी मतदान कर्मी हैं, जिन लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, सभी से आग्रह है कि जितने जो भी नियम है उनका अनुपालन करते हुए अनुशासन के साथ में अपना आए, ताकि चुनाव कराया जा रहा है। एक कक्षा के इंतजाम किए गए हैं, डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स, जॉइंट डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स हम लोगों के द्वारा लिया गया वो निकल चुका है। पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा बल जो स्टैटिक सुरक्षा बल है वो पोलिंग पार्टी के साथ जाएगी, उनके साथ साथ सेक्टर जोनल और सुपर जोनल लेवल की पेट्रोलिंग की जा रही है। एरिया डोमिनेशन के लिए CAPF की कंपनीज सैट सभी क्षेत्र में मौजूद रहेंगे ताकि शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि भारी मात्रा में आए और चुनाव में सहयोग दें और वोट जरूर दें। पुलिस बल में कार्यरत पुलिस जवान की मौत शुक्रवार को इलाज के दौरान हो गई।
पुलिस मेंस एसोसिएशन ने वरीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गिरिडीह जिला पुलिस बल में कार्यरत पुलिस जवान संतोष सिंह की मौत शुक्रवार को बीमारी के कारण हो गया, लेकिन मृतक जवान की मौत के मामले में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने जिले के वरीय अधिकारी की लापरवाही का आरोप भी लगाया है। एसोसिएशन का कहना था कि संतोष को सदर अस्पताल लाने के लिए सर्जेंट मेजर राकेश रंजन को कई बार कॉल कर एम्बुलेंस भेजने को कहा गया, लेकिन सर्जेंट मेजर राकेश रंजन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे सदर अस्पताल में इलाज के दौरान जवान संतोष सिंह की मौत हो गई। क्योंकि बीमारी से ग्रसित जवान को 108 एम्बुलेंस से जब तक सदर अस्पताल भेजा गया और सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया, तो डॉक्टर ने इलाज के दौरान रेफर करने का सुझाव दिया। इस दौरान रेफर की प्रक्रिया किया जा रहा था कि जवान की मौत हो गई। इधर जिला पुलिस बल में कार्यरत जवान की मौत से मृतक की पत्नी अर्चना कुमारी का रो रो कर बुरा हालत है। जानकारी के अनुसार जवान संतोष सिंह बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे और कई महीने से उनका पोस्टिंग गिरिडीह में ही था। मृतक जवान को शुक्रवार को गिरिडीह में होने वाले पहले चरण के चुनाव की ड्यूटी के लिए भी जाना था और ड्यूटी के लिए जवान का प्रतिनियुक्ति का कमान भी कट चुका था। लिहाजा संतोष जैन की तैयारी कर ही रहे थे कि सुबह में अचानक उसे चक्कर आने के साथ नाक से खून बहना शुरू हो गया। इस दौरान जवान की पत्नी अर्चना कुमारी ने कॉल कर इसकी जानकारी मेंस एसोसिएशन के अधिकारी को दिया, तो उसका साथ ही जवान संतोष सिंह भी पहुंचे और सर्जेंट मेजर को फोन कर एम्बुलेंस भेजने को कहा, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी जब तक एम्बुलेंस नहीं आया तो 108 को कॉल कर बुलाया गया और इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के क्रम में जवान की मौत हो गई। तो यहां पे गिरा हुआ है, मान लिया सुबह से ही मतलब इसका तबीयत खराब था, पुलिस लाइन के पास मैंने गिर गया था, उसी में ब्लडिंग वगैरह मतलब हुआ तो यहां लाया गया था। अचानक गिर गया था वहां, तो उसको फिर यहां पुलिस केंद्र से सदर हॉस्पिटल गिरिडीह को आया था। क्या चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया था क्या? हाँ, चुनाव ड्यूटी लगाया गया है। इनका ड्यूटी अभी कमान शायद भराया हुआ है, कहाँ जाने के लिए लोगों को मैंने कमान कटा हुआ है, सारे लोगों को ड्यूटी में जाना है। पहले घुड़सम्बा थाना में पोस्टिंग थे, अभी यहाँ मतलब सारे लोग अभी पहले मुख्यालय आते हैं चुनाव के लिए। तो अचानक क्या हुआ? अचानक से गिर गया है। ठीक है, यहाँ आए हैं तो ब्लड वगैरह मतलब मुंह से भी हुआ, फिर लाइटिंग के रास्ते से यहाँ से रेफर किया गया था रिम्स। हम अपने सर्जेंट मेजर को और एसपी साहब को भी सूचना किए गाड़ी के लिए, सुबह से एम्बुलेंस 11 बजे तक नहीं आया, फिर लास्ट में 108 को हम लोग सूचना दिए तो 108 आया, उसके बाद आईसीयू में यहाँ भर्ती करवाया गया। उसी में डॉक्टर साहब ने फिर बोले कि जितना जल्दी हो सके ले जाइए, रेफर कीजिए, यहाँ पे नहीं हो पाएगा संभव, और उस दरमियान में इनकी मृत्यु हो गई आईसीयू में। हमारा एम्बुलेंस अभी तक नहीं आया। तो कहना है आपका कि एम्बुलेंस पुलिस विभाग के लापरवाही रहा हमारे वरीय पदाधिकारियों का, सर्जेंट मेजर का इसमें सर्वोपरि अहम भूमिका रहा। सिर्फ झूठ का फरेबी बात करते रहे, सुबह 6 बजे से कि एम्बुलेंस जा रहा है अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया है हमारा। क्या नाम है जवान का? जवान का संतोष कुमार सिंह नाम है, 132 पुलिस नंबर। सर्जेंट मेजर कौन? क्या नाम है? राजेश रंजन। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन पुलिस जवान? ये पुलिस जवान रहने वाले वैशाली जिला के हैं, बिदुपुर थाना मधुरापुर गांव इनका है। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नता प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउटडोर, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहां के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदा, गिरिडीह।
आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसे एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिस, मुंबई, रिम्स, रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग के विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, केआर मोदी मोल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगतपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहाँ पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है। लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, सूटिंग शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें, हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगतपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग परमानेंट, हेयर कैरेटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाईलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसटी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही हमारे यहाँ लोरियल एवं एमएसी क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लेक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकतली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का एलईडी लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, एलईडी लेटर, स्टील लेटर, फ्लेक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, INA नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंडबिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकतली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा मेला डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ इस मेले में आपको मिलेगा हस्तशिल्प बाजार के लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का बांस से बना सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोर्ड, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारा माची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, पाव भाजी, आइसक्रीम, मोमोज, मंचूरियन का मिलेगा स्वाद। तो एक बार अवश्य पधारे झंडा मैदान डिज्नीलैंड मेला में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10:30 तक। स्थान झंडा मैदान, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर।
16वें लोकसभा सांसद रविंद्र पांडे के आवासीय कार्यालय में श्रमिक नेता स्वर्गीय कृष्ण मुरारी पांडे की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गिरिडीह के 16वीं लोकसभा सांसद रविंद्र कुमार पांडे के फुसरो स्थित आवासीय कार्यालय में बैरमो कोयलांचल के मजदूर मसीहा स्वर्गीय कृष्ण मुरारी पांडे की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसका संचालन भाजपा बोकारो जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष जगन्नाथ राम ने किया। कार्यक्रम में गिरिडीह के नी वर्तमान सांसद रविंद्र पांडे ने अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं, मजदूर नेताओं, मजदूरों एवं समर्थकों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि में मुख्य रूप से बैरमो के विधायक कुमार जय मंगल सिंह, भाजपा के बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव, CCL के बोकारो कारगिल क्षेत्र के महाप्रबंधक MK राव, डोरी क्षेत्र के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल, मजदूर नेता गिरजा शंकर पांडे, विक्रम पांडे, अजय सिंह, उत्तम सिंह, रविंद्र कुमार मिश्रा, राकेश कुमार सिंह, शत्रुघ्न सिंह, गायत्री देवी, देवानंद दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद महतो, अरुण सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के तारकेश्वर महतो, फुसरो नगर मंडल अध्यक्ष भाई प्रसाद सिंह आदि उपस्थित थे। शहर के अलकापुरी चौक में राज टेलीकॉम मोबाइल शोरूम के 3rd ब्रांच का विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मोबाइल शोरूम में सभी ब्रांडेड के स्मार्टफोन ग्राहकों को आसान किस्तों के साथ उपलब्ध रहेंगे। शहर के अलकापुरी चौक में शुक्रवार को राज टेलीकॉम मोबाइल शोरूम के 3rd ब्रांच का विधिवत रूप से फीता काटकर मुख्य अतिथि भाजपा नेता सह सेवा निर्मित इंजीनियर विनय कुमार सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने संचालक को बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं दी। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि मोबाइल खरीदारी के लिए राज टेलीकॉम एवं पूरे गिरिडीह शहर में मशहूर है। बरगंडा और स्टेशन रोड में काफी समय से मोबाइल शोरूम का संचालन किया जा रहा है। इस मौके पर राज टेलीकॉम मोबाइल शोरूम के संचालक रवि रंजन ने कहा कि बोड़ो और पचम्बा इलाके के ग्राहकों की सुविधा के लिए अलकापुरी में शोरूम की शुरुआत की गई है। यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्मार्टफोन, LED TV साथ ही यहाँ इन्वर्टर बैटरी भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लोगों को आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा के साथ मोबाइल की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ सभी तरह के मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आज अलकापुरी चौक में काली मंडा के सामने राज टेलीकॉम श्री हरिराम चौधरी जी के दोनों सुपुत्र रविराज और कविराज के द्वारा खोला गया, जिसका आज उद्घाटन और शुभारंभ किया गया। इन लोगों की पहले से भी एक बरगंडा में और एक स्टेशन रोड में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का, जहाँ इन्वर्टर, TV, मोबाइल और AC वगैरह की बिक्री पूर्व से होती आ रही है और गिरिडीह शहर के लिए काफी चर्चित लोकप्रिय दुकान है और इस अच्छे कीमत पर और अच्छी गुणवत्ता का सामान इनके द्वारा लोगों को ये किया जाता है। ये लोग व्यवहार कुशल भी है, पूरी गिरिडीह वासियों के लोगों से काफी लगाव रहा है, फेवरियर संबंध रहा है और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में पचम्बा, बोलो, मोहनपुर, जितना बिशनपुर हुआ, भंडारीडीह, पशुपालन के नीचे तमाम लोग इससे कनेक्टेड होंगे, क्योंकि अच्छे किस्म का, अच्छी क्वालिटी का और अच्छे दर पर इन लोगों के द्वारा सामान बिक्री होता है। आज इस अवसर पर मैं इन लोगों के दुकान के विकसित होने की कामना करते हुए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना इनके पूरे परिवार सहित साथ सभी जितने भी सम्मानित लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये था हमारा आज का, फिर मिलते अगले खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।